कि इन्होंने जो व्यवस्था की है मेरा सपना पूरा हो गया है। लगता था कि कभी ऐसा सुल्तानगंज नहीं होगा, वो आज ऐसा सुल्तानगंज और गंगा तट हो गया है। भगवान शिव की परम भक्त कृष्णाबम भागलपुर की सुल्तानगंज पहुंची, जहां नवनिर्मित सुल्तानगंज नमामि गंगे गंगा घाट पर जिला प्रशासन और सुल्तानगंज नगर परिषद के द्वारा पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र और अजगैवी नाथ मंदिर की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, DRDA के डायरेक्टर प्रमोद पांडे, SDO धनंजय कुमार, BDO मनोज मुर्मू और अंचलाधिकारी शंभू शरण राय और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा माता बम के नाम से पूरे कांवरिया पथ पर कृष्णा बम को सम्मानित किया गया। सुल्तानगंज गंगा घाट को देख कृष्णा बम काफी उत्साहित दिखी। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से लगातार डाक कांवरिया के रूप में लगातार सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने जा रही है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन और सुल्तानगंज नगर परिषद ने बहुत ही बेहतर काम किया है। इसके लिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारी धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। वहीं सदर SDO धनंजय कुमार ने कहा कि शिव की परम भक्त कृष्णा बम को सम्मानित किया गया है। साथ ही SDO ने भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे कांवरिया पथ पर कृष्णा बम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की भी बात कही। 40 वर्षों पहले जो देखी थी, आज सिक्का के दो पहलू जैसे उल्टा हो गया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसे आशीर्वाद देती हूँ कि इन्होंने जो व्यवस्था की है मेरा सपना पूरा हो गया है। लगता था कि कभी ऐसा सुल्तानगंज नहीं होगा, वो आज ऐसा सुल्तानगंज और गंगा तट हो गया है। अति सुंदर हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ जिला प्रशासन को कि 40 वर्षों के बाद नींद खुली है और गंगा को गंगा बना दिए हैं। ये नमामि गंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है, जो इसी तरह हर जगह संजोया जाए। जो आज सुल्तानगंज का दृश्य है, ये अति सुंदर। भोले के प्रति जो आस्था रखते हैं, उन्हें सिर्फ शिव में ही आस्था रखनी चाहिए। आज सनातन धर्म जो हमारा टूटने का कगार पर लगा रहता है, लेकिन भोलेनाथ ही तो बचा लेते हैं। शिव ही एक ईश्वर हैं और हमारे सारे देवी देवताओं उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म में देवी देवताओं के पूजा का भी महत्व है और सबसे ऊपर ईश्वर एक हैं, जिन्हें सबको मानना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। शिव ही भक्त हैं, शिव ही की ही भक्ति करनी चाहिए। और ये कांवर यात्रा तो एक साधना है। इस साधना में हम अपने स्वच्छ दिल से, श्रद्धा से कांवर का जल बाबा को अभिषेक करें। तो भोलेनाथ की कृपा जब तक रहेगी, अब ना मेरे शरीर में ताकत है, उम्र 70-71 साल है, वो तो चाहेंगे तो ले जाएंगे, जब चाहेंगे छुड़वा देंगे। देखिए, आज हम लोग के बीच में आदरणीय कृष्णा बम आई थी स्टेज पे, जिला प्रशासन की ओर से डायरेक्टर सर के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो जैसा कि जो उनके साथ जो प्रोटोकॉल रहा है, उसी मुताबिक उनको सुरक्षा हेतु 4 महिला बल और 2 पुरुष बल उनको जिला प्रशासन की ओर से दी गई है, जो उनके साथ तेघरा फॉल तक जाएगी। और हमारा जो बाग थाना आता है, उनको भी बोला गया है कि वो एक छोटी सी टुकड़ी जहाँ से उनका थाना क्षेत्र शुरू होता है, उनके साथ वो कर देंगे, ताकि अगर जो हमारे पुलिस बल हैं, अगर कोई थक जाते हैं तो उनका भी रिप्लेसमेंट हो जाए। उनके साथ जो भी बल हैं वो साथ साथ चलेंगे, ताकि उनको कोई समस्या ना हो रास्ते में। कृष्णा बम ने जिला प्रशासन का भरपूर मनोबल बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया है। जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने उन्होंने हम लोग के प्रयास को सराहा है, और हम लोग उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग इसी प्रकार से आगे भी, जो अभी 20 दिनों का कार्यक्रम बचा हुआ है, इसी जोश और लगन से हम लोग सभी लोग कार्य करते रहेंगे।